हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ करेले की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे। अब इसमें मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे। मस्टर्ड ऑयल की जगह आप जो ऑयल खाते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस भी ऑयल का यूज़ करते हो। अब इसमें सौंफ और हींग का तड़का लगाएंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन ऐड करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। अब इसमें कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट कर लिया है। प्याज के ट्रांसपेरेंट होने तक इसे कुक करना है। गैस की फ्लेम को लो पर रखेंगे। मैंने करेले के छिलके उतार के इसे इस तरीके से राउंड में कट कर लिया है और इसके बीज अलग कर दिए हैं। प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब कटे हुए करेले ऐड कर देंगे। मैंने 250 ग्राम करेले लिए हैं और इसके छिलके नहीं उतारे हैं। इसे वॉश करके और इसे गोल गोल कट कर लिया है। अब इसे कवर करके इसे पकने देंगे। 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। बीच बीच में भी इसे चेक करते रहेंगे। करेले को चेक करेंगे। करेले आधे पक चुके हैं। अब इसमें कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज के प्याज को पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर कर देंगे। बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे। करेले जब पूरी तरीके से पक जाए तो इसमें 1 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे कवर करके 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। दो मिनट के बाद हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। सब्जी बिल्कुल रेडी है। ये सब्जी खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।